नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वायु परागत पुष्प और कीट परागत पुष्पों में अंतर। जैसे कि प्रश्न है, वायु परागत एवं कीट परागत पुष्पों में अंतर लिखो। उत्तर है, वायु परागत एवं कीट परागत पुष्पों में निम्नलिखित अंतर हैं। एक साइड लिखेंगे वायु परागत पुष्प, दूसरी साइड लिखेंगे कीट परागत पुष्प। पहला अंतर है, पुष्प छोटे अस्पष्ट एवं रंगहीन होते हैं। वायु परागत जो पुष्प होते हैं वे पुष्प छोटे होते हैं, अस्पष्ट होते हैं और रंगहीन होते हैं। कीट परागत पुष्प, पुष्प बड़े स्पष्ट एवं चमकीले रंगों वाले होते हैं। जो कीट परागत पुष्प होते हैं वे कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, स्पष्ट होते हैं और चमकीले रंगों वाले होते हैं। दूसरा अंतर है, पुष्प गंधहीन होते हैं। जो वायु परागत पुष्प हैं वे कैसे होते हैं, गंधहीन होते हैं। पुष्प गंध युक्त होते हैं। जो कीट परागत पुष्प होते हैं वो गंध युक्त होते हैं। तीसरा अंतर है, पुष्प मकरंद नहीं बनाते हैं। जो वायु परागत पुष्प होते हैं वे मकरंद नहीं बनाते हैं। पुष्प में मकरंद पाया जाता है और जो कीट परागत पुष्प होते हैं उनमें मकरंद पाया जाता है। चौथा अंतर है, वाहदल एवं दल छोटे या अनुपस्थित होते हैं। जो वायु परागत पुष्प हैं उनमें वाहदल एवं दल छोटे या अनुपस्थित होते हैं। वाहदल एवं दल स्पष्ट एवं बड़े होते हैं। जो कीट परागत पुष्प होते हैं उनमें वाहदल एवं दल स्पष्ट एवं बड़े होते हैं। पांचवा अंतर है, परागकण हल्के सूखे एवं अधिक संख्या में बनते हैं। जो वायु परागत पुष्प होते हैं उनमें परागकण हल्के सूखे एवं अधिक संख्या में बनते हैं। परागकण भारी चिपचिपे एवं संख्या में कम बनते हैं। जो कीट परागत पुष्प होते हैं उनमें परागकण भारी चिपचिपे एवं संख्या में कम बनते हैं। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।